तो आज मैं आपको ये जो 3D करा रहा हूं, 2 दिन तो बेटा पहले मैं आपको इसकी थ्योरी रिवाइज कराऊंगा, सारी थ्योरी कराऊंगा आज और कल में, और मंडे से हम इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब आप वेडनेसडे या थर्सडे को जब आपका पेपर होगा जाके देख लेना, आपके 3D के क्वेश्चन निकल जाएंगे इस बार, गारंटी है। वेक्टर 3D के दोनों के निकलेंगे आपके क्वेश्चन। चलो बेटा, सबसे पहले आते हैं हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाते हो। एक पॉइंट लिया पी, एक्स वाई जेड, तो उसकी जो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड है, ये जेड है, तो ये वाला डिस्टेंस एक्स कहलाता है, ऊंचा वाई, आगे कितना निकला हुआ है वो जेड होता है। तो यहां पर देखो, आगे निकला हुआ है जेड हो गया, और जो उसके अंदर इधर निकला हुआ है ये एक्स हो गया बेटा। 2D में क्या होता है, सिर्फ दो ही एक्सिस होती है बेटा यहाँ पे, एक्स और वाई। जैसे आप गांव में किसी के घर जाते हैं, तो गांव का नाम पता हो, उस व्यक्ति का नाम पता हो, तो आप उसके घर जा सकते हैं। और शहर में किसी के घर जाओगे तो कॉलोनी का नाम पता हो, जैसे मॉडल टाउन, साथ में रोहतक पता हो, साथ में हाउस नंबर भी पता हो। जब आपको 3 चीजें पता होती हैं तो वो 3D होता है बेटा। जैसे 2D के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन 3D के अंदर क्या होता है बेटा, 3D के अंदर, 3D के अंदर क्वाड्रेंट नहीं होते, 3D के अंदर ऑक्टेंट होते हैं। तो जैसे एक्स ओ वाई, एक्स मतलब जैसे एक्स एक्सिस को हम प्लस का बोलते हैं, तो जिधर एक्स माइनस किया उसको हम एक्स डैश बोल देते हैं। लो बेटा, अब मैं आपको वही बता रहा हूं, ऑक्टेंट क्या होता है। जैसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस बेटा, ये जेड एक्स है, ये वाई हो गया, ये तो एक्स एक्सिस को आप पीछे बढ़ाओगे, ये एक्स एक्सिस को पीछे बढ़ा दिया, वाई को नीचे ले जाओगे, ये नीचे आ गई वाई, जेड को पीछे ले जाओगे, ये जेड आ गई। तो जैसे 2D के अंदर क्वाड्रेंट होते हैं, 3D में याद रखना ऑक्टेंट होते हैं। अब लो, ऑक्टेंट कैसे ले रहे हैं, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, एक एक बार सब पे डैश कर दो बेटा ऐसे, तो जहां डैश आए ना उसको माइनस में यूज करते हैं बेटा। जैसे पहला है ओ एक्स वाई जेड, इसका मतलब जहां एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए बेटा। फिर है ओ एक्स डैश वाई जेड, जहां एक्स पे डैश है तो एक्स तो नेगेटिव आ गया, और वाई और जेड पे डैश है तो वो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे आप कर सकते हो बेटा, ये ऑक्टेंट होते हैं, ये आपने कर रखे हो। अब आ जाओ, 3D में कोई पॉइंट लेना हो तो कैसे लेते हो आप। जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो आप एक्स वाई और जेड जीरो लेते हो, वाई एक्सिस पे उल्टा, एक्स और जेड होते हैं, एक्स और जेड जीरो, वाई कुछ ना कुछ होता है, ऐसे ही जेड एक्सिस बेटा। अब आता है जैसे 3D है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्स वाई प्लेन है, जैसे एक्स वाई दीवार है, ये दीवार है एक्स वाई, तो ये एक्स हो गया, ऊंचा वाई हो गया, तो एक्स वाई लेते वक्त आप क्या करोगे उसके अंदर, ये लेते वक्त एक्स और वाई तो कुछ ना कुछ होंगे, वाई और जेड वहां पे जीरो होंगे, तो ये लो, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई पर लेना है तो एक्स और वाई होंगे जेड जीरो, फर्श पे लेना है तो एक्स और जेड होते हैं, वाई जीरो होता है, पता है ये सब, ऐसे ही वाई जेड प्लेन में। फिर आते हैं हमारे पास
जैसे ये दीवार है, इसका नाम है एक्स वाई प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो ये जो दीवार है इसकी इक्वेशन है एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड जीरो। एक्स वाई प्लेन लोगे तो उसकी इक्वेशन होती है जेड इजिकल टू जीरो, ये होती है। और फर्श है, फर्श की लोगे जेड ओ एक्स, नीचे फर्श है तो फर्श में ऊंचाई खत्म हो जाएगी ना, वाई वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो वाई जीरो बोल दो ऐसे। तो जहां जो मैंने जो ये येलो कलर बना रखा है, ये सारा जो येलो कलर है ये हो गया एक्स वाई प्लेन, इसकी इक्वेशन है जेड जीरो। तो नीचे बॉटम है फर्श के, तो नीचे फर्श है बेटा फर्श, तो इस फर्श के ऊपर क्या है बेटा, इसकी है वाई जीरो। अब ये रहा वाई जेड प्लेन, इसकी एक्स इजिकल टू जीरो। फिर आते उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो जैसे 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई जीरो, पर 3D में नहीं होती, याद रखना 3D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई जीरो जेड जीरो, और वाई एक्सिस की एक्स जीरो जेड जीरो। तो आपको लग रहा होगा कि एक्स वाई प्लेन तो बहुत बड़ा होता है, प्लेन की इक्वेशन तो खाली छोटी सी होती है जेड जीरो, लेकिन एक प्लेन में हजारों करोड़ों लाइनें आती हैं, तो लाइन के में वाई जीरो जेड जीरो दो बोलनी पड़ती है, याद रखना इस बात। फिर आता है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन लेना, जैसे ये दीवार है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके पैरेलल सामने वाली दीवार है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू गैप, बीच का गैप बोल दो बस, एक्स इक्वल टू पांच दस। जैसे आप यहां देखोगे इस फिगर के अंदर वाई जेड प्लेन के पैरेलल ये प्लेन ले लिया, एच के गैप पे है तो एक्स इक्वल टू एच, वाई जेड के पैरेलल, वाई जेड के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू एच, क्योंकि वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो। अब वो गैप के बाद वो गैप बोल दो, पहले तो जीरो था, अब वो जितना गैप है वो बोल दो। अच्छा अब लो, यदि आपने कोई भी पॉइंट ले लिया ए बी सी, तो आप जैसे एक्स एक्स वाई एक्स जेड यहां पे पॉइंट लिया, मैं नीचे एल्टीट्यूड डाल दूं, तो नीचे फर्श में जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नीचे फर्श पे आने पे वाई खत्म हो गया, एक्स और जेड तो वही रहेंगे, याद रखना। यदि आप पी ए बी सी पॉइंट से नीचे एल्टीट्यूड डाल देते हो तो नीचे ए के कोऑर्डिनेट आएंगे ए जीरो सी, ये आएंगे बेटा, मतलब एक्स और जेड आएंगे, वाई खत्म हो जाएगा। ऐसे आप वाई जेड प्लेन पे एल्टीट्यूड डालोगे तो वाई और जेड आएंगे, एक्स एक्स वहां पे जीरो हो जाएगा बेटा। अब लो फुट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सुनो जैसे ये पॉइंट पी ए बी सी है, ये एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स है, ऐसे तीन एक्सिस है बेटा मान लो ये। अब आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, उसका अंदर एक्स एक्सिस पे एल्टीट्यूड डालोगे तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो वही आएगा जितनी उसकी दूरी है, वाई और जेड जीरो आएंगे, तो वही है फुट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए बी सी ऑन द कॉर्नर एक्सिस। जैसे ये पी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे एल्टीट्यूड डाला ये रहा, तो एक्स वहां पे ए जीरो जीरो, बी वाई एक्सिस पे जीरो बी जीरो, ऐसे से जेड एक्सिस पे जीरो जीरो सी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आ जाओ बेटा सारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट आप 2D में लेते हो तो क्या लिखते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन का वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, पर 3D में जेड और आ जाता है तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर हो गया बेटा। ये सारा कुछ आपने मेरे से अच्छी तरह कर रखा है, अच्छी तरह करा रखा है, दो बार, पहले 11th में फिर 12th में भी करा रखा है, मैं तीसरी बार जान के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बेटा आईआईटी में 3D के तीन क्वेश्चन आने हैं और बहुत आसान आती है 3D बस। तो जो बच्चा कैलकुलस के क्वेश्चन छोड़ आता है ना, मेरे को दुख नहीं होता। यदि कोई कहना मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं किए, प्रोबेबिलिटी के नहीं किए, मेरे को दुख नहीं होता। लेकिन जब कोई बच्चा ये कहता है ना कि मैं वेक्टर 3D के छोड़ आया हूं, बेटा बहुत दुख होता है।
यार मैंने इसका उसको कुछ पढ़ाया नहीं, तो इसलिए थ्री डी और वेक्टर के क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत आसान होता है बेटा देखना। अब लो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे आपने दो पॉइंट ले लिए बेटा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू जेड टू, तो बीच में पॉइंट सी है जो उसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, बीच में जो पॉइंट सी एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ये तो आप उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, वही एम इंटू में एक्स टू एन इंटू में एक्स वन बाय एम प्लस एन, ऐसे ही एम इंटू वाई टू एम एन इंटू वाई वन बाय एम प्लस एन, एम इंटू जेड टू एम इंटू जेड वन बाय एम प्लस एन, मान लो मिडिल पॉइंट है तो वन इंटू वन कर दोगे एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू वाई वन वाई टू वाई टू जेड वन जेड टू वाई टू। अब आ जाओ एक्सटर्नली डिविजन क्या होता है, एक्सटर्नली एक्सटर्नली में ये होता है बेटा अब की बार पॉइंट बाहर आएगा बेटा अंदर नहीं आएगा, बाहर का मतलब क्या है, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया बेटा ये एक्स वन वाई वन जेड वन, एक बी पॉइंट है ये एक्स टू वाई टू और जेड टू पॉइंट है, ये पॉइंट अब ये सी पॉइंट बाहर की तरफ है बेटा, इसके लो बाहर है ऐसे बाहर ले लिया, और मान लो सारा तो एम है और जो बड़ा हुआ पार्ट है आगे बड़ा हुआ हिस्सा है वो एन है, ये एन दे रखा है, तो आप सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, तो नेचुरली एम को तो लोगे इसके साथ, एन को लोगे इसके साथ, एन को इसके साथ लोगे, एम को आप इसके साथ लोगे, तो क्या आ जाएगा एम एक्स टू एन एक्स वन बाय एम माइनस एन, ऐसे माइनस लगाओगे एम वाई टू एन वाई वन बाय एम माइनस एन, ऐसे एम जेड टू एन जेड वन बाय एम माइनस एन, उसके बाद सेंट्रॉइड कैसे रहते हैं ट्रायंगल का, जैसे हवा में एक ट्रायंगल बनाइए आपने इस रूम में एक ट्रायंगल बना दी, तो उसका जो भी सेंट्रॉइड जो होता है वो थ्री डी में सेंट्रॉइड कहलाता है, तो कुछ नहीं करना तीनों को ऐड करके बाय थ्री लगा दो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बाय थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री बाय थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री बाय थ्री, बस ये कर। फिर आता है इन सेंटर कैसे निकालते हो आप किसी भी ट्रायंगल का, इन सेंटर होता है जब तीनों एंगल बाय सेक्टर मीट करते हैं, तो पहले आपको तीनों साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी, बीसी की लेंथ, बीसी की लेंथ होती है स्मॉल ए, एसी की लेंथ स्मॉल बी स्मॉल सी, तो वही ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री बाय एबीसी का सम, फिर ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री बाय एबीसी का सम, ऐसे जड़ के लिए बताइए, पहले आपने टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब आर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, जैसे हमारे पास आर हमारे पास कोई भी वेक्टर है कहीं पे भी है एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई जेड में, हमने उसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रा कर लिया आर के पैरेलल ही उतनी ही लेंथ का, मान लो वो नीचे अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो वो जो नीचे एंगल बनाते हैं ना एक्स एक्स अल्फा बीटा गामा एंगल, उन एंगलों का नाम होता है डायरेक्शनल एंगल, ये होते हैं डायरेक्शनल एंगल, अल्फा बीटा का डायरेक्शनल एंगल, उनके कॉस कॉस ले लोगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा अब आप यदि जैसे आपने ये एक पॉइंट पी लिया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, आप यहां पे नीचे एक एल्टीट्यूड डाल देते हो एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस एक्स आ गया ये डिस्टेंस आर हो गया, तो खुद सोचो कोस अल्फा कितना आता होगा, कोस अल्फा ये आ गया एक्स बाय आर, ये तो कॉस बीटा कितना आ गया वाई बाय आर, ऐसे ही तो इसका डायरेक्शन कोसाइन का एक मेथड और भी हो गया, एक तो हो गया कॉस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, एक डायरेक्शन कोसाइन का मेथड ये हो गया एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर, ये हो गया। हाँ एक्स वाई जेड क्या है,
उस वेक्टर पे या लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पी मानोगे उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो उसकी डिस्टेंस है बेटा आर उसको यहां से। फिर आता है एल स्केयर एम स्केयर एन स्केयर वन होता है, कैसे एल स्केयर एम स्केयर एन को लिखोगे आप एक्स बाय आर का स्केयर वाई बाय आर का जेड बाय आर का, तो ऊपर हो गया एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, नीचे आर स्केयर। अब एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर भी तो आर स्केयर है, तो आर से आर कट गया बना गया। अच्छा अब यदि आप यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर सॉरी एल स्केयर को कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा कॉस स्केयर गामा भर दो इन तीनों को, तो कॉस स्केयर की वैल्यू कितनी होती है वन माइनस साइन स्केयर वन माइनस साइन स्केयर बीटा साइन साइन स्केयर गामा, एक नई रिलेशन मिल गई। ये भी आपकी पूछी गई है बेटा कई बार क्वेश्चन आया इस पे कि कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा कॉस स्केयर गामा तो वन होता है पर साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा साइन स्केयर गामा टू होता है, याद रखना। अब आते हैं उसके बाद डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जो डायरेक्शन को साइन है ना वही रेशियो होते हैं, बस उनको रेशियो में ले लो। तो एनी थ्री नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को साइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। क्या मतलब, जैसे एल एम एन डायरेक्शन को साइन है किसी वेक्टर की, तो उनको रेशियो में लेना एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर रेशियो में बस। अब रेशियो में कोई चीज हो तो आप उसमें जो कुछ भी काट सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आर आर काट दो सब में से, या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड लैम्डा, बस ये डीआरएस होते हैं। अब शॉर्टकट में इतना समझ लो, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर आर लिखा 3i 4j 2k, एक वेक्टर आर लिखा तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालो 3² 4² 2² 29 हो गया। तो याद रखना 3 4 2 3 4 2 का नाम आगे वाले नंबरों का नाम होता है डायरेक्शन रेशियो। शॉर्टकट इतना याद कर लो, किसी भी वेक्टर में जो आगे वाले नंबर नहीं होते एक्स वाई जेड उनको रेशियो में लेना रेशियो को लगता है, उनके नीचे उनकी लेंथ लगाना डायरेक्शन को साइन। तो ये लो 3/√29 4/√29 2/√29 डायरेक्शन को साइन हो गया। अच्छा डायरेक्शन रेशियो जैसे 3 4 2 है तो आप उसको 30 40 20 कह दो, 300 400 200 कह दो, इसका मतलब तो ये हो गया कि डायरेक्शन को साइन तो जो आगे आगे, रेशियो तो आप करोड़ों तरह से ले सकते हो, जैसे मर्जी ले लो रेशियो। फिर आते हैं हमारे पास इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिवर्स न्यू डायरेक्शन को साइन मल्टीप्लाई विद -1। क्या मतलब, जैसे आपके पास कोई लाइन है, यदि आपके पास कोई लाइन है तो आपने लाइन में ए बी बोल दो चाहे बी ए बोल दो कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसके डायरेक्शन को साइन सेम रखते हैं। लेकिन उसके मान लो आपके पास कोई लाइन है और आपने उसका वेक्टर बना दिया, जैसे लाइन है ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है मान लो ये लाइन है, तो आप यदि ये कहते हो ना उसके डीसीएस डीसीएस ऑफ ए बी आप कहते हो एल कोमा एम कोमा एन है, आप बी ए के डीसीएस भी यही बोलोगे बेटा एल कोमा एम कोमा एन ये बोलोगे। हाँ बट यदि आपके पास ये लो लाइन की बजाय क्या है एक वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए बी है वेक्टर ए बी है, यदि आप डीसीएस कहते हो ना डीसीएस ऑफ वेक्टर ए बी ये आप कहते हो एल कोमा एम कोमा एन है, तो डीसीएस ऑफ ए बी का बी ए बनाओगे ना, तो यहां रखना ये माइनस का एल माइनस का एम माइनस का एन हो जाता है। कारण वही है, कारण इसका वही है बेटा कि ए बी का बी ए करते वक्त ना उसका एंगल पाई माइनस अल्फा हो जाता है 180 - α होता है 180 - β 180 - γ और कॉस 180 - α माइनस कॉस अल्फा होता है बेटा, ये कारण होता है इसका। तो याद रखना किसी भी लाइन को आप उल्टा सीधा कर देते हो तो डीसीएस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वेक्टर है आप यूं ले रहे हो और उसको आपने उल्टा कर दिया ऐसे तो बेटा माइनस साइन साथ लगा लेना। नेक्स्ट लो बेटा इफ एनी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद द थ्री एक्सिस है,
कोई वेक्टर है तीनों बराबर एंगल बना रहा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा सेम है, तो याद रखना उसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 प्लस माइनस आता होता सेम आते होते हैं। कारण क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम है तो एल एम एन सेम हो गए, तो एल स्केयर एम स्केयर एन स्केयर सेम है, 3L² वन हो गया, एल हो गया प्लस माइनस 1/√3 के लिए। फिर डायरेक्शन को साइन ऑफ एनी वेक्टर या लाइन अभी बताया था यूनिक होते हैं, बट रेशियो कैन बी टेकन बाय इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ वेज। कैसे भी एग्जांपल दिया था R3i4j2k है, तो आगे वाले नंबर डायरेक्शन रेशियो होते हैं 3, 4, 2, पर नीचे लेंथ लगा दोगे 3/√29, 4/√, ये डायरेक्शन को साइन है। पर जो रेशियो आप 3, 4, 2 ले रहे हो, आप 10, 10 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 100, 100 से कर लो ना, -1 से कर लो, ये लो -3 रेशियो -4 रेशियो -2 और लो बेटा। खुद एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन क्या होता है, अब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस एंगल 0 बना रखा होता है तो cos 0, पर एक्स एक्सिस ने वाई एक्सिस को 90 बना रखा है तो cos 0 cos 90 90 तो 100। अगला आ गया 010001। अब आ जाओ, दो लाइनें दे रखी हो उनके डायरेक्शन को साइन हो, पहली के L1 M1 दूसरी के L2 M2 N2 है, तो आप उसके बीच में एंगल कैसे निकालोगे cos थीटा, L1 L2 M1 M2 N1 N2, पर डायरेक्शन रेशियो मान लो डायरेक्शन रेशियो A1 A1 B1 C1 है, अगली के A2 B2 C2 है, तो अब आप cos थीटा क्या निकालोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाय में A1 square B1 square C1 square A2 square B2 square C2 square। नेक्स्ट लोग, इफ टू वेक्टर या टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर या दो लाइनें परपेंडिकुलर है, लो तो याद रखना उसके डायरेक्शन को साइनों की पोटेंट भी 0 होती है, रेशियो की भी 0 होती है, ये होती है। कारण कॉस 90 0 होता है बेटा। अब है व्हेन टू वेक्टर आर लाइक देन दे हैव सेम डायरेक्शन को साइन, बट डायरेक्शन रेशियो का तो रेशियो सेम होता है, पर दो वेक्टर यदि अनलाइक हैं तो डायरेक्शन को साइन एक दूसरे के माइनस टाइम्स होते हैं, अनलाइक हैं तो माइनस टाइम्स होते हैं बेटा, पर रेशियो का अब भी रेशियो सेम होता है, मान लो दो वेक्टर लाइक हैं तो डायरेक्शन, दो वेक्टर लाइक हैं ऐसे लाइक है, मान लो लाइक है तो डायरेक्शन को साइन का तो रेशियो सेम, डायरेक्शन को साइन ही सेम होते हैं, रेशियो का रेशियो सेम होता है, पर दो वेक्टर अनलाइक है ना बेटा, तो डायरेक्शन को साइन माइनस टाइम्स हो जाते हैं नए वाले पुराने वाले के, रेशियो का अब भी रेशियो ही रेशियो का रेशियो सेम होता है। अब उसके बाद है डायरेक्शन को साइन कैन बी टेकन एट द प्लेस ऑफ डायरेक्शन, करेक्ट, डीसीएस कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ डीआरएस। आपको कभी डीआरएस की जरूरत है ना, है ही नहीं वो मान लो, तो डीसीएस को ले लो, क्यों, मान लिया हमने 1-1 रेट मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन कभी आपको डीआरएस की जरूरत है ना तो डीसीएस आ जाते हैं, पर डीसीएस की जरूरत है तो डीआरएस नहीं आते, वो बनाने पड़ते हैं बेटा, याद रखना इसको। यानी कि एक मान लो बैंक है, उसके अंदर अकाउंटेंट एब्सेंट है तो मैनेजर उसकी सीट संभाल सकता है, उसको आता होगा अकाउंट का काम, लेकिन एक अकाउंटेंट मैनेजर एब्सेंट है और अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट मैनेजर के काम नहीं कर सकता बेटा, तो याद रखना कभी भी डीसीएस पड़े हो डीआरएस हो तो उन्हीं को ले लिया करो, पर डीआरएस सीओ सॉरी डीसीएस सीओ तो डीआरएस को नहीं ले सकते बेटा। अब लो एनी पॉइंट, मान लो आपके पास एक वेक्टर ओपी है यार है एक्स आई वाई जे जेड के, आपको ओरिजिन से आर के गैप पे एक पॉइंट लेना हो डीसीएस हो तो आप एल आर एम आर एन आर बोल दो बेटा,
एल होता है एक्स बाय आर, एम होता है वाई बाय आर, एन होता है जेड बाय आर। एक्स कितना आ गया एल आर, वाई एम आर, एन आ गया जेड आर। यानी कि आप किसी भी लाइन पे उसकी ओरिजिन से दूरी पता हो ना एल एम एन हो तो एल आर एम आर एन आर उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। बेटा करा तो मैं चाहे आपको कितना रहा हूं पता, जुल्फ पता किसकी पढ़नी है, खाली जुल्फ ये पढ़नी है। एक वेक्टर यू है बस, थ्री आई टू जे फोर के, ये है। तो याद रखना आगे वाले नंबर इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, बस यूज ही होता है। और इनके नीचे इसकी लेंथ लगा दो 16 और रूट 29, ये लो। सबसे ज्यादा यूज यही बात होनी है, बाकी हम करते हैं सब कुछ है बेटा, पर यूज यही रिजल्ट होता है, बस ये वाला रिजल्ट होता है। किसी भी वेक्टर के आगे वाले जो नंबर होते हैं वो डीआरएस बाय में लेंथ लगाने से डीआरएस हो जाते हैं, डीसीएस हो जाते हैं। अब लो डायरेक्शन को साइन एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन पासेस थ्रू गिवन टू पॉइंट। मान लो एक लाइन है दो पॉइंटों से जा रही है, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो एक लाइन दो पॉइंटों से जा रही है तो आप उसके डी आर एस क्या लोगे, x2 टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये लोगे आप। और बाय में उनकी लेंथ लगाओगे ए बी ए बी ए बी, तो डीसीएस बन जाएंगे बेटा इसके। क्यों बनता है, कारण क्या होता है, जैसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 है तो वेक्टर ए बी क्या बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2। अब किसी वेक्टर के आगे वाले नंबर डीआरएस होते हैं, बाय में लेंथ डीसीएस होती है। अब लो बेटा प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं डीसीएस के सेंस में। मान लो एक लाइन है दो पॉइंटों को ज्वाइन करके बनती है, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। एक लाइन है दो पॉइंटों को ज्वाइन करके बनती है, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, ये लाइन बनती है। नीचे एक लाइन और है एल एम, उसके डीसीएस क्या है एल वन एल एम एन एम। तो आप उस ए बी की वहां पे प्रोजेक्शन कैसे लोगे, प्रोजेक्शन होता है जैसे ये दिख रहा है, यहां से एल्टीट्यूड डाल दो, ये हाथ है, हाथ की प्रोजेक्शन क्या है, यहां से नीचे एल्टीट्यूड डालो इधर से डालो बस, या ये लो ये पेन है। प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे एक रोड नीचे लगा दे लंबी एक रोड, ये तो नीचे जो टुकड़ा नहीं आएगा नीचे बॉटम पे वो प्रोजेक्शन कहलाती है, शेडो एक तरह की। तो ये मार्क ये पेन है, पेन के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। नीचे प्रोजेक्शन क्या है, नीचे वाली लाइन क्या है, एलएमएन है डीसीएस। तो याद रखना एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई इंटू एम टू, एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन, एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन, ये होती है प्रोजेक्शन, ये होती है। हाँ प्रूफ क्या है, देखो इसका प्रूफ क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रोजेक्शन है ए डैश बी डैश, यदि मैं उसके पैरेलल लाइन ले ली मैंने ये वाली ए बी डबल डैश, तो लेंथ दोनों की सेम है, तो ए डैश बी डैश है ए बी डैश दोनों सेम है, तो आप कॉस थीटा लगाना, कॉस थीटा क्या आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बी कॉस थीटा। अब ए बी का तो ए बी पढ़ा रहे, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, दो लाइनों में एंगल कैसे निकालो, डीसीएस निकाल लो, नीचे वाली लाइन के दो गए एल एम एन, ये फार्मूला नहीं लिखते आप, एल वन एल टू, एम वन एम टू, एन वन एन टू, ये वही तो आ गए, ये आ गए। तो कितना आ गया, नीचे वाली लाइन के तो एल एम एन है, तो ऊपर वाली लाइन के कितने आ गए, एक्स टू माइनस एक्स वन बाय लेंथ ए बी। अब ये ए बी से ए बी कट गया, हैंसपोर्ट कट गया। अब मैं आपको अनम्यूट करो बेटा, कुछ पूछना तो पूछो आपसे। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन,
passes through a given point and parallel to a given vector. मान लो आपने कोई ये लाइन ली बेटा, ये लाइन ले ली, बस ये एक पॉइंट से पास कर रही है. पॉइंट क्या है, ए, एक्स वन वाई वन जेड वन है, और एक वेक्टर बी के पैरेलल है बेटा, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, इसके पैरेलल है मान लो, एक स्ट्रेट लाइन. जैसे आप 2D में एक्स वाई मानते हो पी पॉइंट, 3D में एक्स वाई जेड मानना होता, और ये ओरिजिन है बेटा. अब ओरिजिन से किसी भी चीज को मिलाओगे उसका पोजीशन वेक्टर आएगा, तो P का पोजीशन वेक्टर आ गया वेक्टर R, A का आ गया वेक्टर A, ये आ गया जो उसके पोजीशन वेक्टर है. तो अब आपको मैं क्या बता रहा हूं कि एक लाइन है वो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से जा रही है, और जहां से जा रही है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए. पी एक जर्नी पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर. तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, होती है आर इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये होती है लाइन की. या एक्स माइनस एक्स वन एक्स वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन बाई बी वन बी टू बी थ्री. ऊपर वाली है वेक्टर की शक्ल में, नीचे वाली है कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म. इसका प्रूफ क्या है, देखो ये प्रूफ इसका ये है कि जब आप लाइन पे पॉइंट ए लेते हो, पी लेते हो और बी है, तो ए पी बी के पैरेलल है. जब ए पी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो ए पी लैम्डा टाइम बी होगा. एपी को क्या लिखोगे आप, पी वी ऑफ पी माइनस ए आर माइनस ए लैम्डा भी हो गए, एक उधर ले गए बेटा. अब यहां पे आप यदि आर की वैल्यू भर दो एक्स आई वाई जे जेड के, ए की वैल्यू एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और बी की वैल्यू भर दो, कंपेयरिंग करना है यहां पे, तो एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा बी वन आ गया, y माइनस वाई वन लैम्डा बी टू, जेड माइनस जेड वन लैम्डा बी थ्री. यार लैम्डा तीनों में से निकालो, लैम्डा कितना आएगा, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बाई बी टू, तीनों लैम्डा आपस में बराबर भर दो, लैम्डा बराबर लैम्डा बराबर लैम्डा, आंसर आउट हो गया. मतलब आपको कोई कहे लाइन की इक्वेशन, आप ये लिखोगे r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. कोई पूछे ए क्या है, क्या जहां से लाइन गुजर के जा रही है ना उसका पीवी, पीवी क्या होता है, ओरिजिन को मिलाना. बी क्या है, लाइन के साथ साथ चलने वाला पैरेलल वेक्टर. आर क्या है, लाइन पे एक मूविंग पॉइंट नहीं होता एक्स वाई जेड, जर्नी पॉइंट एक्स वाई जेड, वो आर होता है. अच्छा ये एक ही बात है, यदि मैं ये लिख देता हूं एक्स माइनस एक्स वन बाय में बी वन, y माइनस वाई वन बाई में बी टू, जेड माइनस जेड वन बाई में बी थ्री, ये एक ही बात होती है बेटा. कोई पूछ रहे बी वन बी टू बी थ्री क्या है, वेक्टर b के आगे वाले नंबर उसके क्या कहलाएंगे, डीआरएस. तो कहते बी वन बी टू बी थ्री क्या है, लाइन के या पैरल वेक्टर के डीआरएस है. अब मैं यहां से ना आपको x एक्सिस की इक्वेशन ढूंढ के दिखाता हूं. अब x एक्सिस की जो एक लाइन है, तो मैं इस मेथड से आपको x एक्सिस की इक्वेशन निकाल के दिखाता हूं. अब x एक्सिस कहां से जाती है, ओरिजिन से, तो पासिंग पॉइंट तो हो गया 0 0 0, और x एक्सिस पैरेलल वेक्टर क्या मान लूंगा, i, b की जगह i मान लिया, क्लियर. तो लेना r = a + lambda b, तो r = 0 + lambda i. तो याद रखना x एक्सिस की इक्वेशन होती है R is equal to lambda I, ये होते बेटा आपके पास, ये होते. अब यहां से आपने कार्टेशियन निकालनी है तो R की वैल्यू भर दो, x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो बाय I के आगे वाले नंबर क्या होते हैं, वन जीरो जीरो, तो क्या आ गया x बाय वन वाई बाय जीरो जेड बाय जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो एक्स आ गया समथिंग कुछ भी म्यू वाई और जेड जीरो आ गया। अब याद करो आपने एक्स एक्सिस की इक्वेशन मैंने क्या सिखाई थी थोड़ी देर पहले, आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये तो सिखाई थी वाई जीरो जेड जीरो, यही तो आइए बेटा। ऐसे ही बेटा वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की आर इज इक्वल टू लेमडा जे, जेड एक्सिस की लेमडा के, ये होती है बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो हम इलेवंथ क्लास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सीखते हैं ना, उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की इक्वेशन आज वाले मेथड से भी आप निकाल सकते हो, सेम आती है बेटा। देखो नेक्स्ट लो बेटा, इसमें नेक्स्ट ये है जैसे अब आपके पास बी वन बी टू बी थ्री डी सी एस है, सॉरी डी आर एस है। अब आपको मैंने एक लाइन बताई थी, जब भी डीएस डीआरएस की जरूरत हो डीसीएस हो तो वो ले लो, तो वही मैंने बता रखा है कि यदि इफ बी वन बी टू आर डीआरएस तब तो इक्वेशन ये है, यदि हम डीसीएस ले ले एलएमएनएन तब भी इक्वेशन वही रहती है एक्स माइनस एक्स वन बाय एल वाई माइनस वाई वन बाय एम जेड माइनस जेड वन बाय एन, ये होती है। अगला नोट है बेटा, यदि हमें लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकालना हो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, अभी आप लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वाई वी वन बी टू बी थ्री, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो लैम्डा, तो एक्स कितना आ जाएगा लैम्डा बी वन एक्स वन वाई वन लैम्डा बी टू जेड वन लैम्डा बी थ्री। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जो हमें किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना हो तो उसके डीआरएस पता और पासिंग पॉइंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब आता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मतलब हमारे पास ये लाइन है दो पॉइंटों से जा रही है बेटा, पहला एक्स वन वाई वन जेड वन है, दूसरा है एक्स टू वाई टू जेड टू है। पी वो मूविंग जर्नी पॉइंट होता है, पी एक्स वाई जेड जर्नी पॉइंट। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अब और पहले वाले में क्या फर्क है, पहले तो एक पैरल वेक्टर था, अब आप जबरदस्ती पैरल वेक्टर बना लो ना, ये लो ये बना लो एक्स टू माइनस एक्स वन आई वाई टू माइनस वाई वन जे जेड टू माइनस जेड वन के, ये जबरदस्ती पैरल वेक्टर बना लिया। मतलब अब बी की जगह पे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू वन, तो ये क्या बन गई लाइन की इक्वेशन, x minus x and y minus y1 by x2 minus x and y2 minus y1 z2 minus z1। हाँ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप, r is equal to a plus lambda b, b की जगह आप ab लिख दो, ab ये लो ab का मतलब वही तो हुआ b minus है, मतलब जो पासिंग पॉइंट है ना उसके दोनों पॉइंटों को आप एज ए वेक्टर b यूज कर दो, बस ये होता है। करो रीड करो बेटा इसको, उसका प्रूफ क्या है बेटा, देखो प्रूफ ए बी और पी एक्स वाई तीनों एक लाइन के अंदर है, तो क्या कहोगे आप, तीनों एक लाइन के अंदर है यानी कि ए पी बी आर कोलिनियर है, तो ए पी को क्या लिखोगे लैम्डा टाइम्स है ए बी, ए पी हो गया आर माइनस ए लैम्डा टाइम, ए बी को क्या लिखोगे बी माइनस ए, ए को उधर ले जाओ एंसर हो गया।
हाँ इसमें से कार्टेशियन निकालनी हो तो आर की वैल्यू भर दो एक्स आई वाई जे जेड के, ए की वैल्यू एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, बी की वैल्यू एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के भरो, तो कंपेयरिंग करके देखो कितना आ रहा है। एक्स माइनस एक्स वन इजिकल टू लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन लेमडा वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे तो 3 बार लेमडा बराबर लेमडा भर लो, आंसर उठ गया।